आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, मैं पिंकी लेकर आई हूँ आपके लिए आज की कुछ खास खबरें। तो देखते हैं क्या है आज की कुछ खास खबरें। सर, ये जो आशू यादव हत्याकांड हुआ था, इसमें पूरा क्या खुलासा हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वजह क्या रही इस हत्याकांड की? कल पारा थाना क्षेत्र के चंद्रोदय नगर में आशू यादव नाम के युवक की हत्या हो गई। इस संबंध में उनके परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें दो व्यक्ति नामजद राजेंद्र वर्मा और उसका चचेरा भाई शिवम वर्मा का नाम इसमें लिखाया गया और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। इस तहरीर को प्राप्त करके थाने और अपनी सर्विलांस की 6 टीमें बनाई गई और इस प्रकरण के खुलासे के लिए टीमों को लगाया गया। देर रात लोकल इनपुट से अपने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आज सुबह मॉर्निंग में एक अभियुक्त को और दोपहर में हेलापुल के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2017 में अभियुक्त जिसका मर्डर हुआ है उसकी बहन से 2017 में जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उससे संबंध है, जिसकी वजह से इन्होंने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए उसका मर्डर किया और इस संबंध में दो अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं और गाड़ी जो बरामद हुई उसका क्या इस्तेमाल किया है इन्होंने? घटना में दो तमंचे जिसमें एक पिस्टल है, देसी पिस्टल, और एक 315 बोर की पिस्टल है बरामद हुई है। इसके अलावा जो प्रयुक्त कार है इस घटना में फोर्ड की, उसको बरामद किया गया है। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदित राज न्यूज। मैं इजाजत चाहूंगी।